कोनो नेशनल पार्क इन एमपी वॉज फाउंड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द चीता बिकॉज ऑफ इट्स हैबिटेट एंड एडिक्वेट प्रे बेस। चीता के लिए कोनो नेशनल पार्क जो एमपी के अंदर है उसको एक मोस्ट सुटेबल पार्क के रूप में माना गया था, बिकॉज साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से जो चीता लाए गए थे उनके लिए सुटेबल हैबिटेट के लिए कोनो नेशनल पार्क को चूज किया गया, बिकॉज कोनो नेशनल पार्क के अंदर चीता के लिए सुटेबल हैबिटेट है और यहाँ पर एडिक्वेट प्रे बेस इन्हें मिल सकता है। चीता एक्शन प्लान CAP रिप्रेजेंट इंडियाज एम्बिशियस एफर्ट टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इंटू इट्स इकोसिस्टम विद अ फोकस ऑन बोथ कंजर्विंग द स्पीसीज एंड रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ सवाना हैबिटेट। अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया की तरफ से एम्बिशियस एफर्ट्स किए गए, स्पेशली इसके लिए चीता एक्शन प्लान लॉन्च किया गया सो दैट चीता को कंजर्व किया सके और इंडिया के अंदर इन्हें फिर से रिस्टोर किया जा सके। हावर द प्रोजेक्ट हैज फेस्ड सेवरल चैलेंजेस सिंस इट्स इंसेप्शन इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड कैप्टिविटी ऑफ द चीता एंड फर्टिलिटीज रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। जब से चीता का इंट्रोडक्शन किया गया है इंडिया में साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से सेवरल चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड कैप्टिविटी। चीता का जो कैप्टिविटी है वो एक्सटेंडेड होता चल रहा है, फर्टिलिटीज हमें यहाँ पर शोर हो रही है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि चीता को इंडिया के अंदर सर्वाइव कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। व्हाट इज प्रोजेक्ट चीता? प्रोजेक्ट चीता इज एन इंडियन इनिशिएटिव टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता विच वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन कंट्री इन 1952। कंट्री के अंदर 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में, बट चीता के पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर अगेन रिस्टोर करने के लिए इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं। फेज वन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2022। चीता प्रोजेक्ट का जो फेज वन है वो 2022 में स्टार्ट हो चुका है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क। फेज वन के अंडर साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क के लिए चीता का ट्रांसलोकेशन किया गया। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA इन कोलेबोरेशन विद द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पूरा प्रोजेक्ट NTCA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके साथ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोलेबोरेशन के तौर पर वर्क कर रहे हैं। अंडर फेज टू ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिया इज कंसिडरिंग सोर्सिंग चीता फ्रॉम केनिया ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट। चीता विल बी ट्रांसलोकेटेड टू कोनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेज टू के अंदर ये कंसिडरिंग किया जा रहा है कि इस बार केनिया से चीता लाए जाएंगे, बिकॉज केनिया का जो हैबिटेट है वो इंडिया के हैबिटेट के सिमिलर है। इस बार जो चीता ट्रांसलोकेट किया जाएंगे कोनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एमपी के अंदर है यहाँ पर इनका ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। वाई आर द चीता लोकेटेड इन कोनो? कोनो के अंदर चीता को क्यों लोकेट किया गया? चीता आर लोकेटेड इन कोनो बिकॉज ऑफ इट्स हैबिटेट एंड एडिक्वेट प्रे बेस। कोनो नेशनल पार्क के अंदर चीता के लिए हैबिटेट है और प्रे बेस एडिक्वेट यहाँ पर इसको मिल सकता है। बट इवन इन कोनो द चीता हैव लार्जली बीन हेल्ड कैप्टिव। अ कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी फॉर अफ्रीकन चीता इज बींग बिल्ट इन द बन्नी ग्रास लैंड ऑफ कच्छ गुजरात। गुजरात के कच्छ में अफ्रीकन चीता के लिए ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की जा रही है। नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन MP हैज ऑल्सो बीन मैंशनड एज पोटेंशियल साइट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता के इंट्रोडक्शन के लिए नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि MP के अंदर है इसको भी ऐसा माना जा रहा है कि ये भी पोटेंशियल साइट हो सकती है अफ्रीकन चीता के लिए। विल प्रोजेक्ट चीता हैव मेजरेबल आउटकम्स? क्या प्रोजेक्ट चीता जो स्टार्ट किया गया था क्या आउटकम्स पॉजिटिव इसका मिला है? चीता एक्शन प्लान आउटलाइन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस क्राइटेरिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग चीता इन इंडिया। इंडिया के अंदर चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, बट ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस क्राइटेरिया यहाँ पर आउटलाइन करता है। कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका सक्सेस देखा जाएगा और कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका सक्सेस देखा जाएगा। इन द शॉर्ट टर्म
द गोल्स इंक्लूड अ 50% सर्वाइवल रेट फॉर द फर्स्ट ईयर, चीता एस्टेब्लिशिंग होम रेंजेस, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन वाइल्ड एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर लोकल कम्युनिटी थ्रू इको टूरिज्म। शॉर्ट टर्म अगर सक्सेस की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर में क्या 50% सर्वाइवल रेट इसका रहा है। इट मीन्स 50% सर्वाइवल रेट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। और चीता को किस तरह से जिस जोन में इन्हें रखा गया है ये इसका एक होम बन सकता है, ये भी यहाँ पर चैलेंज है। वर्ल्ड के अंदर चीता का सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पाता है या नहीं, या फिर लोकल कम्युनिटीज के लिए इको टूरिज्म के थ्रू क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म के जो सक्सेस हैं। दीज गोल्स आर करंटली नॉट बीइंग मेड ड्यू टू प्रोलॉन्ड कैप्टिविटी, बिकॉज चीता का प्रोलॉन्ड कैप्टिविटी किया गया है, इस वजह से ये गोल अभी तक मेड नहीं हुए हैं, विच कंट्राडिक्ट द प्लान्स ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन। और प्लान के जो ओरिजिनल ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन थे उनका कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म टारगेट अभी अचीव नहीं किए गए हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस इज द मेजर्ड बाय चीता बिकमिंग अ स्टेबल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम विद नेचुरल सर्वाइवल रेट, एस्टेब्लिशिंग अ वियबल मेटा पॉपुलेशन, इंप्रूविंग हैबिटेट क्वालिटी एंड प्रे डाइवर्सिटी एंड बेनिफिट्स लोकल इकोनॉमीज थ्रू सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। लॉन्ग टर्म सक्सेस को मेजर करने के लिए जो कंपोनेंट है वो ये कंपोनेंट है, जैसे क्या चीता इंडिया के अंदर नेचुरल इकोसिस्टम का एक स्टेबल पार्ट बन सकता है, सर्वाइवल रेट कितना होता है, मेटा पॉपुलेशन क्या इसका हो सकता है इंडिया के अंदर, हैबिटेट क्वालिटी क्या इम्प्रूव हो सकती है, प्रे डाइवर्सिटी एंड बेनिफिटिंग लोकल इकोनॉमीज थ्रू सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स के थ्रू क्या लोकल पीपल को बेनिफिट इससे हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस इसके थ्रू एवेल्यूट किया जाएगा। व्हाई डिड सो मैनी चीता डाई आफ्टर मूविंग, सो मैनी चीताज का डेथ हो चुका है, इसके क्या क्या रीजन्स रहे हैं। देयर हैव बीन फेल्योर्स ऑन बोथ दीज फ्रंट्स। वन फीमेल चीता इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया हैड अ प्री एग्जिस्टिंग एंड क्रॉनिक रेनल एलिमेंट रिजल्टिंग इन हर डेथ इन कैप्टिविटी इन मार्च 2023। मार्च 2023 में नामीबिया से लाया गया एक फीमेल चीता का डेथ हो जाता है क्रॉनिक एंड रेनल एलिमेंट की वजह से। अ मेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइड इन कैप्टिविटी इन अप्रैल 2023 ड्यू टू सस्पेक्टेड हाइपोकेलमिया एंड द रिजल्टिंग एक्यूट हार्ट फेल्योर। अप्रैल 2023 में साउथ अफ्रीका से लाया गया एक मेल चीता हाइपोकेलमिया के थ्रू यहाँ पर हाइपोकेलमिया की वजह से डेथ हो जाती है, स्पेशली इसके अंदर एक्यूट हार्ट फेल्योर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अ फीमेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइड इन कैप्टिविटी इन मे 2023 एज सी वॉज मॉल्ड बाय अ मेल कॉलिशन इन एन इनक्लोजर वाइल द मैनेजर्स वर ट्राइंग टू गेट हर टू मेट। ऑल थ्री कैट्स डाइड बिफोर दे वर रिलीज टू एट ऑल। इन लेट मे मंथ 2023 में भी फोर कप्स में से थ्री कप्स का यहाँ पर डेथ हो जाता है। बिटवीन जुलाई 11 एंड अगस्त 2023 टू मेल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका डेड हो जाता है एंड वन फीमेल फ्रॉम नामीबिया फिर से डेथ हो जाता है। जनवरी 2024 में भी नामीबिया से लाया गया एक फीमेल का डेथ हो जाता है। अगस्त 2024 यानी लास्ट मंथ में भी नामीबिया के एक मेल चीता का डेथ हो जाता है। टू ऑफ द कप्स बोर्न इन लिटर ऑफ सिक्स डेड इन जून अगस्त 2024, ओनली वन कप्स स्पाइन वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पर ये कुछ डेथ रेट हैं इंडिया के अंदर चीता का, जो कि शो करता है कहीं ना कहीं हैबिटेट इनके अकॉर्डिंग अभी इन्हें नहीं मिला है।